जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्री परिषद के साथ सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग की और नायब सिंह सैनी को नया नेता चुन लिया गया। अब वे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नायब सिंह सैनी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, बीजेपी के 41 विधायक हैं और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को हासिल है। ऐसे में 47 विधायकों के साथ बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए हैं और वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। अब उन्हें सांसदी से इस्तीफा देना होगा। हरियाणा में 2019 से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा था। अब वो गठबंधन टूट गया है और जेजेपी के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी और जेजेपी के बीच काफ़ी समय से तनातनी चल रही थी। कुछ सूत्रों के मुताबिक जेजेपी ने बीजेपी से लोकसभा की 2 सीटें मांगी थी और बीजेपी ने सीट देने से साफ इनकार कर दिया। बीजेपी ने साफ कहा कि वो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अचानक बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से क्यों उठाया? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की चाल है या कोई और वजह? मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। बीजेपी ने साल 2014 में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया था। इसके बाद जब 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी थी तो फिर से मनोहर लाल खट्टर राज्य के सीएम बने थे। हालांकि इसी बीच किसान आंदोलन से लेकर तमाम अन्य मुद्दों की वजह से खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनने लगी थी। खट्टर 9 साल से ज़्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। बीजेपी लीडरशिप ने कुछ महीने में होने वाले चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए उनकी जगह नया चेहरा बदला। बीजेपी ने ऐसा ही कदम गुजरात और उत्तराखंड में भी उठाया था, जहां उसे बाद में चुनावों में सफलता भी मिली। मनोहर लाल खट्टर ने आज इस्तीफा दिया है, उसकी यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर। थैंक यू।